मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो केंद्र सरकार के बारे में चल रहा था, और केंद्र सरकार के अंदर हमने जब लोकसभा लोकसभा के गठन के बारे में देखा था, और उसके अंदर हमने देखा था कि लोकसभा की सदस्य संख्या और उसका प्रमुख योग्यताएं वगैरह देखी थी। जो आज हमारा जो टॉपिक है वो सेकेंड टॉपिक है, वो राज्यसभा, और राज्यसभा का जो आर्टिकल राज्यसभा एक तरह का इतना स्तर है। सेकंड, इस राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है और इसको राज्यपाल सदन भी कहा जाता है, यानी कि राज्यसभा के अंदर यहां हो जाएगी उच्च सदन, स्थायी सदन और राज्यपाल सदन। ये सारी जो जानकारी हमें प्राप्त होती है आर्टिकल 80 के अंदर, यानी कि अनुच्छेद 80 के अंदर कहा गया है कि राज्यसभा स्थायी सदन होगा, जिसके अंतर्गत वो स्थायी सदन होने के कारण उसकी कभी भंग नहीं किया जाएगा। और जो हमारे संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, जो लोकसभा है जो निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। सेकंड है कुल सदस्य संख्या, यानी कि राज्यसभा की जो कुल सदस्य संख्या वो 250 मिले दी गई, और इन 250 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 सदस्य जो होते हैं कला, साहित्य, विज्ञान, यानी कला, साहित्य, विज्ञान के तथा समाज सेवा कला साहित्य विज्ञान तथा समाज सेवा में अनुभव प्राप्त व्यक्ति होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति की निगरानी या राष्ट्रपति के अनुसार वो क्या होंगे, कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा के अनुभव प्राप्त व्यक्ति होंगे, उन्हीं व्यक्तियों का करेगा राष्ट्रपति या जो राज्यसभा के लिए मनोनीत करेगा, यानी राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और वर्तमान के अंदर कुल सदस्य संख्या जो है 245 निर्धारित की गई। ये 245 सदस्य हैं, उनमें से 229 विभिन्न राज्यों से, यानी कि 229 सदस्य जो होंगे विभिन्न राज्यों से संबंधित होंगे, और 4 सदस्य जो होंगे संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित होंगे, और जो 12 बाकी के जो 12 सदस्य बचाएंगे उनसे जो हमें बताएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे जो कला साहित्य विज्ञान से संबंधित होंगे। और राज्यसभा का निर्वाचन, यानी कि राज्यसभा का जो निर्वाचन होगा या राज्यसभा का जो निर्वाचन के सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वो किस प्रकार से होगा, जैसे हम कहते हैं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा स्थायी सदन है, स्थायी सदन होने के कारण क्या नहीं कर सकते, कभी भंग नहीं कर सकते। तो सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक, यहाँ पे ध्यान रखा होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जो हमने पढ़ा था लोकसभा लोकसभा के अंदर हमने पढ़ा था प्रत्यक्ष रूप से बहस मताधिकार जो हमने लोकसभा के अंदर पढ़ा था कि प्रत्यक्ष रूप से बहस मताधिकार के द्वारा लोकसभा के सदस्य का चुनाव होता है, लेकिन यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन यानी चुनाव होता है, यानी कि उनको चुनाव करने के अंतर्गत जो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं फिर वो आगे जाकर राज्यसभा के सदस्य का चुनाव करते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जनता डायरेक्ट जो क्या नहीं है सदस्य का निर्वाचन नहीं करती है। और इन सदस्यों का जो निर्वाचन किया जाता है तो निर्वाचन के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट उनकी जो योग्यता है, पहली योग्यता वो क्या होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि ये होता है कि वो जो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है वो कहाँ का भारत का नागरिक होना अनिवार्य। सेकंड जो है उसकी आयु 30 वर्ष हो, यानी कि वो कहाँ का जैसे भारत का नागरिक, सेकंड जो उसकी योग्यता है वो होती है 30 वर्ष का होना अनिवार्य है। जैसा हमने लोकसभा के अंदर पढ़ा था, लोकसभा में हमने पढ़ा था 25 वर्ष, और यहाँ होगा 30 वर्ष, यानी कि अगर दोनों की योग्यता एक ही रहती है तो दोनों की योग्यताओं के अंतर्गत एक ही फर्क है, वहां पर आयु है जो है लोकसभा के अंदर 25 वर्ष, लेकिन राज्यसभा के अंदर जो 30 वर्ष है, बाकी जो योग्यता वो सेम ही। और एक योग्यता होती है पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए,
यानी कि किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। लाभ का पद का मतलब होता है प्रशासन के अंदर सरकार के द्वारा उसको अलग से वेतन नहीं मिलना चाहिए। अब है राज्यसभा का कार्यकाल, ये राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, क्यों उसका कार्य क्या है, क्योंकि अभी तो भी पढ़ा था अनुच्छेद 80 के अंदर क्या कहा गया है कि जो राज्यसभा जो होगी वो क्या होगा, एक स्थायी सदन होगा, कभी भी भंग नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होगा, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता लेकिन उनके सदस्य, यानी राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष का राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। और साथ ही साथ में ये कहा गया है जो 6 वर्ष के लिए सदस्य चुने गए हैं, इन 6 वर्ष के सदस्यों का प्रति दो वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य को कार्यकाल पूर्ण, यानी कि क्या होगा जैसे 245 सदस्य है, इन 245 सदस्यों में से प्रति दो वर्ष बाद में क्या होगा, एक तिहाई सदस्य चेंज हो जाएंगे और उसी स्थान पर एक तिहाई सदस्य दूसरे आ जाएंगे, यानी कि आगे से आगे चलता रहेगा। इसलिए राज्यसभा को निरंतर चलने वाली संस्था भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जैसे जैसे एक सदस्य चेंज हो जाएंगे उनके स्थान पर नए सदस्य आते रहेंगे। साथ ही साथ में एक सदस्य का कार्यकाल जैसे 6 वर्ष निर्धारित किया गया, और साथ में ये ध्यान में रखने का पूछा जाता है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्यों, क्योंकि राज्यसभा जो स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। तो और राज्यों का सदस्य कहा जाता है क्योंकि इसमें जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं राज्यों से प्रतिनिधि अध्यक्ष चुने जाते हैं, और उस सदस्य इसमें विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट व्यक्ति का सदस्य होने के कारण उसको उप सदन भी कहा जाता है। और इनके कुछ क्वेश्चन है जो आप देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे अनुच्छेद 80 का, यानी राज्यसभा से संबंधित प्रावधान कौन सा अनुच्छेद के अंदर क्या गया है, अनुच्छेद 80। सेकंड क्वेश्चन, राज्यसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, उच्च सदन, स्थायी सदन और राज्यों का सदन। थर्ड नंबर पर आएगा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। फिर है कुल सदस्य संख्या कितनी है, 250। फिर आगे का क्वेश्चन जो बनता है वर्तमान के अंदर सदस्य संख्या कितनी है, 245। अब देखते हैं यहाँ कि राज्यसभा का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो सदस्यों के द्वारा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संदर्भणीय निर्वाचन पद्धति की अप्रत्यक्ष, यानी अप्रत्यक्ष रूप से सीधा जनता के द्वारा चुनाव नहीं होता है। फिर हम देखेंगे राज्यसभा के सदस्य बनने की प्रमुख योग्यता, योग्यता क्या हो जाएगी, वो बाध्यता नागरिक होना चाहिए, फर्स्ट सेकेंड हो जाएगा, उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। फिर राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल